आप मेरा साथ दीजिए, नोटबंदी के मामले में आपको असुविधा जरूर हुई है, लेकिन काले धन को वापस लाने के लिए मैं देश को अपना प्राण न्योछावर करने को तैयार हूँ। 50 दिन तक आप संयम रखिए, हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में, काला धन लाने में, विदेशी बैंकों का जमा धन भारतीय बैंकों में ट्रांसलेट करने के लिए 50 दिन यानी 17 जनवरी तक आप इंतजार कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस देश को आप जैसी जनता, हमारे देश को एक बार फिर से हम सोने की चिड़िया कहलाने के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, आपने जो हरकतें की है, भारतीय सेना, भारतीय सरकार इसका जरूर जवाब देगी। मैं भारतीय जनता से वादा करता हूँ कि उरी हमले में 18 जवानों का बलिदान मैं आपको मुफ्त में नहीं जाने दूंगा। जो पाकिस्तान की कायराना हरकत है वो सामने आकर क्यों नहीं बताता है कि आपके खिलाफ यदि आप लड़ना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में लड़िए, शिक्षा के क्षेत्र में लड़िए, आप देश की जनता के लिए लड़िए। मैं आपको वादा करता हूँ कि 18 जवानों का बलिदान पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। भारत ने जो नोटबंदी का फैसला लिया है उसका आपको बिल्कुल रोष जताया होगा। कांग्रेस वाले चाहते हैं कि मोदी जी ये फैसला वापस ले, लेकिन मैं मेरे देश के लिए सभी ताने सुनने को तैयार हूँ। भाई और बहनों, आप मेरा साथ दीजिए, हम इस देश को अलग ऊंचाई पर लेकर चलते हैं, जहां पर हम नीचे देखने पर पाकिस्तान हमको बहुत छोटा नजर आए। जय हिंद।